दोस्तों, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सोसाइटी अहमदनगर, ये महाराष्ट्र में आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला। यहाँ पर हम स्नेक रेस्क्यू का काम करते हैं। आपने कई सारे वीडियो शायद देखे भी होंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही कोबरा स्नेक हमने रेस्क्यू किया था आज सुबह। तो यहाँ हम इसको रिलीज़ करने के लिए आए यहाँ पर फॉरेस्ट में, पर्यावरण में। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं जो जानकारी आज देने वाला हूँ, ये शायद ही आपने कहीं सुनी ना होगी, तो इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इसके बारे में जो अंधविश्वास है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होता है। तो दोस्तों, मेरा बस ये कहना है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, ताकि इस स्नेक के बारे में आप अच्छे से जान पाए, अच्छे से समझ पाए। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने दिखाया क्यों है कि इसके बारे में बहुत ही अंधविश्वास है, बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास है कोबरा स्नेक के बारे में, जो भारतीय नाग कहलाता है भारत देश में। तो दोस्तों, इसके बारे में पहला अंधविश्वास जो है सबसे बड़ा, ये सांप दूध पी जाता है, दूध पीता है। दोस्तों, सांप क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, ये शाकाहारी नहीं होते, ये मांस खाने वाले होते हैं। ये सांप मांस खाते हैं, चूहा, ज़्यादातर ये चूहों का खात्मा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसी तरह मेंढक, छिपकली, ऐसे ये खा जाते हैं, पंछी तक ये सांप खा जाते हैं। साइज के हिसाब से वो अपना भक्ष चुनते हैं और उसको खा जाते हैं। तो दोस्तों, एक और अफवाह है इस बारे में कि कोबरा सांप जो है अपना बदला लेता है। सुना होगा शायद आपने कि कोबरा स्नेक हो या कोई भी दूसरा सांप हो, वो बदला लेता है। अगर एक सांप को मार दिया, एक भाग गया, तो कहते हैं लोग कि सांप बदला लेता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि सांप के मस्तिष्क में, माइंड में, सेरिब्रल हेमिस्फेयर नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में सोचने वाली क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो घटक होता है, वो नहीं पाया जाता है। इसलिए दुनिया का, इस वर्ल्ड का सांप, इस दुनिया का सांप पालतू नहीं हो सकता है। मतलब कोई, हम बिल्ली पाल लेते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, ठीक है, उसके मस्तिष्क में सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है। तो सीखने की क्रिया को जो हम उसको सिखाते हैं, बैठ जा, उड़ जा, मेरे पास आ, नाम उसको आप नाम से पुकार लेते हैं, वो सुनता है और अपने पास दौड़ा चलाता है, क्योंकि आप उसको सिखाते हैं। वो सीखने की क्रिया को समझ पाता है, क्योंकि उसमें सेरिब्रल हेमिस्फेयर पाया जाता है। उसे हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। वो घटक इसके मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। ये कुछ समझता ही नहीं है, इसको सोचने की शक्ति नहीं होती है, विचार करने की शक्ति नहीं होती। जैसे आप मुझे, आप मेरा चैनल देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, अभी आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, तो इसी तरह आपने मुझे याद किया है, मुझे याद करते हो। जैसे भी आप कहीं पर, आपको सांप दिखाई देता है तो आप मुझे याद करते हो, इसका मतलब आपके मस्तिष्क में क्या है? विचार शक्ति। आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, किसी को याद रख सकते हो, लेकिन सांप के मस्तिष्क में सेरिब्रल हेमिस्फेयर यानी प्रमस्तिष्क गोलार्ध नहीं पाया जाता है। इसलिए ये सोच नहीं सकता, किसी को दिमाग में नहीं रख सकता। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सांप बदला लेने का सोच भी नहीं सकता। तो ये यहाँ पर पूरा गलत है कि सांप बदला लेता है। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जो अंधविश्वास फैलाते हैं, क्या करते हैं? अंधविश्वास फैलाते हैं, इसमें मैंने मंत्र मार दिया है। क्या किया है? मंत्र मार दिया, इसको जगह पर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, ये क्यों खड़ा है? क्योंकि सामने जो कैमरामैन है हमारे, अतुल पाखरे जी, इसको टारगेट किया हुआ है। उसको क्या किया हुआ है? टारगेट, उसको एक चीज़ दिखा रहे हैं कैमरे के साथ साथ। शायद आपको नहीं दिखेगा वो, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में उसको डराने के लिए एक चीज़ पकड़ा हुआ है। तो जिस चीज़ को देखकर वो डर रहा है अभी फ़िलहाल, उसको उसमें टारगेट कर चुका है, ठीक है, उसका ध्यान उस पर लग चुका है। उस चीज़ को देखकर अभी ये डर रहा है, तो इसीलिए उसको ताक रहा है, देख रहा है। जब तक वो सामने वाला खड़ा रहेगा, जैसे मान लो अभी इसने मेरे ऊपर टारगेट कर दिया, ठीक है ना, अभी सामने वाला टारगेट कर दिया है,
जब तक सामने वाला खड़ा रहेगा, जब तक उसको उस कोई चीज़ या अपना पैर कुछ भी हो वो दिखाएगा, हिलाएगा, तब तक सांप डरा हुआ अपना फन निकालेगा, ठीक है ना। जब तक उसको डर लगता है तब तक सामने वाले को डराने के लिए, जो सामने वाला आदमी खड़ा है उसको डराने के लिए कि भाई मेरे पास मत आ, अगर आप उसके पास जाने की कोशिश करोगे तो वो काट लेगा, ठीक है ना। तो ये अंधविश्वास है। और जैसे कि बीन होती है, ठीक है, आपने देखा है बीन, जो सांप की बीन होती है उसकी आवाज़ से सांप बाहर निकलता है, बिल से आता है, ऐसे पुराने लोग कहते हैं। तो ये भी अंधविश्वास है, सांप बीन की आवाज़ पर नहीं नाचता है। जब जो सपेरा होता है वो उसके सामने बीन हिलाता है तो वो यहाँ से वहाँ हो जाता है, इधर से उधर, इधर से उधर, तो सांप क्या करता है उसको टारगेट कर लेता है, उसको काटने के लिए इधर के इधर हो जाता है। तो ये भी एक अंधविश्वास है कि सांप बीन की आवाज़ पर नाचता है, ऐसा कुछ होता नहीं। उसके सामने ऐसी बीन हिलाई तो वो सांप भी हिलता है उसको काटने के लिए, दौड़ने के लिए। तो दोस्तों ये अंधविश्वास है। और एक दोस्तों एक कमेंट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, हमारे वीडियोस पे जो कमेंट्स आते हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आप जो कमेंट करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, सबको जवाब देना मुश्किल होता है, इसलिए मैं वीडियो के ज़रिए आपको जवाब दूसरे तीसरे दिन देता हूँ। तो आज तक जिसने 8-10 दिनों में जितने भी सारे लोगों ने कमेंट किया था उनके लिए ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों अगर आपने कुछ और बोलना है तो कमेंट करिए, जितने हो सके आप कमेंट करिए ताकि आपको अगले वीडियो में उसका जवाब मिलेगा। हर एक को वीडियो पर, हर एक को मैं कमेंट पर जवाब दूँ ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग स्नेक रेस्क्यू में बिज़ी रहते हैं, हमारी टीम पूरी की पूरी बिज़ी रहती है। बारिश का मौसम है, इतने ज़्यादा तादाद में सांप मिल रहे हैं कि पूछो मत, बहुत ही भागदौड़ होती है। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि उसी पर मैं वीडियो बनाऊँ, जो आपके सवाल है उस पर मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपने कभी जाना ना होगा सांपों के बारे में, आज जान गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस और सांपों के बारे में जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर्यावरण में, फॉरेस्ट में आज़ाद करने वाले हैं। देखिए अब तक ये खड़ा है क्योंकि सामने वाला जो है हमारा टीम का जो सदस्य है, मेंबर है, उसने उसको टारगेट किया हुआ है, इसलिए अब तक खड़ा है। जैसे ही मैं उसको हटा दूंगा वो पर्यावरण में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इसको आज़ाद कर देंगे। मैं फिर एक बार बोलता हूँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि दोस्तों आने वाले इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियो और सांपों के बारे में जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों देखिए यहाँ हम इसको आज़ाद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट में इसको पर्यावरण में जा रहा है, वो धीरे धीरे इसको आज़ाद कर दिया है। काफ़ी गुस्से में था इसलिए वो अपना फन उठा रहा था, काफ़ी तेज़ी से काटने की कोशिश कर रहा था।